अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी गुंडी। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को एक बार फिर कुंडी बनी नस्ल की भैंसें दिखा रहा हूं, जो डिस्ट्रिक्ट बदीन तालार सिटी के करीब ही सिंध के फेमस शौकीन हाजी अब्दुल्ला खासकरी साहब की ये बनी कुंडी नस्ल की भैंसें हैं। अगर इन भैंसों की क्वालिटी की बात की जाए तो एक से एक नंबर, ऐसा कहूँ तो एक को देखोगे दूसरी को भूलते जाओगे, ऐसी भैंसें हैं। अगर इन दोनों भैंसों की बात करता चलूँ तो ये एक एक पेट ब्यात है और दूध के माध्यम से भी इन भैंसों का जवाब नहीं है। ये एक दिन का दूध 14 से 15 लीटर अफोर्ड कर लेती है। सामने छोटी बच्ची भी चल रही है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और इनका फेमस भैंसा है जो जिसकी ये सारी ब्रीड है वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। ये भैंसे भी उसी भैंसे की है जिस भैंसे की मैं बात कर रहा हूँ। आप भी इन भैंसों की शुद्धता चेक कर सकते हैं, इस भैंस की क्वालिटी, स्ट्रक्चर, कद पीठ भी आप चेक कर सकते हैं। और सामने ये भैंस भी है, इसकी भी अगर क्वालिटी की बात की जाए, सुंदरता में भी इस भैंस का जवाब नहीं है। ये पहले पहले पेट की ब्यात है, इन भैंसों की एज भी कम है, यही तो खासियत है कुंडी नस्ल की भैंसों में। काफ़ी हैवी भैंसें होती है और कम एज में भी दूध की जो कैपेसिटी है हर पेट में जो है ज़्यादा हो जाती है। और ये सामने भैंसा है जिस भैंसे की मैं बात कर रहा था, ये भैंसा चाहे पूरी सिंध या पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में किंग भैंसे के नाम से मशहूर है। जो भी इस फार्म में आप लोगों को मैंने भैंसे दिखाई है, इसी भैंसे की है। ये सामने बच देख रहे हो, ये भी इसी भैंसे की है। काफ़ी अच्छी सुंदरता है इस भैंस पे भी। लगभग इस फार्म में छोटी बड़ी 20 से 25 भैंसे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हर वो भैंस, हर वो छोटी बच या कट्टा आप लोगों को दिखाऊँ जो इस फार्म में इस फेमस भैंसे का है। आप लोगों को यही बता चलूँगा, अब्दुल्ला खासकिल ने अपने इस फेमस भैंसे की ब्रीड से दोस्तों को काफ़ी शौक भी कराया हुआ है। इस भैंसे की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो आप चेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भैंसा भी है। ये भैंसे जो अभी गबन हुई है इस भैंसे से, ये भैंस भी इसी भैंसे की है। अगर आप लोगों को अंडर चेक कराऊँ तो आप चेक कर सकते हैं, थनों में काफ़ी अच्छा गैप है, पुट भी काफ़ी चौड़ी है इस भैंस की। एक ही फार्म में लगभग छोटी बड़ी 20 से 25 भैंसे हो और एक ही भैंसे की हो, ऐसी भैंसे आप लोगों को या ऐसा भैंसा पूरी सिंध में कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला खासकिल के बाड़े में है। ये भैंस भी आप चेक कर सकते हैं, सुंदरता में भी इस भैंस का जवाब नहीं है, क्वालिटी के माध्यम में भी ये भैंस बहुत अच्छी है। इनके फार्म की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर इन भैंसों को चारा वगैरह दिया जाए तो अनलिमिटेड घास दिया जाता है, भैंसे अपनी मर्जी से ही अपने आप जो है खा पी लेती है। इन भैंसों को कम ही रस्सी का आदि किया गया है, ऐसा कहूँ तो इन भैंसों को जंगल में चराने की इस फार्म में कोई कमी महसूस नहीं होने दे रहे इन भैंसों के ओनर, और काफ़ी अच्छी देखभाल है इन भैंसों की। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो में आप लोगों को हर वो भैंस जो इस फार्म में इस भैंसे की ब्रीड है वो आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि सिंध में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनी कुंडी नस्ल की भैंसें हैं। ये आप बीच वाली छोटी बच्ची देख रहे हैं, ये अभी गबन हुई है इस भैंसे से। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाए तो कुंडी बनी नस्ल की भैंसें कम उम्र में ही अगर गबन कराया जाए तो गबन हो जाती है। हर भैंसे अपनी मर्जी से अपने हिस्से का घास खा रही है। ये सामने भैंस जा रही है और उसके सामने जो है दोपहर के टाइम को ये भैंसें वहीं पर ही छाँव में स्टे करती हैं। बोरी भैंस की बात की जाए तो आप लोग इस भैंस को भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी के माध्यम से भी इस भैंस का जवाब नहीं है। काफ़ी अच्छी सुंदरता है इस भैंस में, ये भैंसें अपनी मर्ज़ी से ही छाँव में आके खड़ी हैं। अगर ऐसी देखभाल की जाए कुंडी बनी नस्ल की भैंसों की तो 30 साल पहले इन भैंसों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जब ज़्यादा तादाद में थी भैंसें पूरी सिंध के अंदर कुंडी बनी नस्ल की, लेकिन अब कम ही दिखाई देती है सिंध के अंदर, जहाँ पर पूरी सिंध में हर बागी के बथान में कहीं आप लोगों को दो दिखेगी, कहीं आप लोगों को पांच दिखेगी, और किसी शौकीन के पास 50 से भी प्लस भैंसे हैं। इस भैंस को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही हेवी भैंस है, स्ट्रक्चर के माध्यम या अड्डर के माध्यम से भी इस भैंस का जवाब नहीं है।
तो दोस्तों आज की थी यही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल से निकुनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।